हाय एवरीवन, तो गाइस फाइनली हमें जिस सैंपल पेपर का वेट था वो सैंपल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सैंपल पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आपको पता होगा सैंपल पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज इस सैंपल पेपर से आपको एग्जाम का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी। उसके साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस कितने दिए रहते हैं, तो ये सब की डिटेल एनालिसिस हो जाती है। तो गाइज उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप सीधा क्लिक करके, गाइज वहाँ पर लिंक क्लास 10th और 12th दोनों के लिए दी गई है। तो अभी हम बात करेंगे पहले क्लास 10th का। जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया होगा आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है, क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर 2020 एंड 21। तो कहने का मतलब सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर प्लस मार्किंग स्कीम दोनों ही रिलीज कर दी है 2020 के लिए और 21 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। तो यहाँ पर दिया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर दिया हुआ मार्किंग स्कीम। सैंपल पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा SQP, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया ये देखिए हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21। तो गाइस ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का। इसमें हमें टाइम मिलेगा 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क है 80। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है द क्वेश्चंस पेपर कंप्राइजेस 4 सेक्शन। तो यहाँ पर गाइस होंगे 4 सेक्शन A, B, C एंड D और टोटल इसमें होंगे 36 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब होंगे। अब आता है सेक्शन बी जिसमें हमारा होगा 21 to 26 जो कैरी करेंगे 2 मार्क्स और उसमें हमें लिखना होगा मिनिमम 30 वर्ड और मैक्सिमम 50 वर्ड। और गाइज फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी 27 to 33, ये क्वेश्चन कैरी करेंगे 3 मार्क्स, इन्हें हम लिख सकते हैं 50 to 80 वर्ड्स में। तो गाइस बोर्ड एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34 to 36 जो आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कैरी करते हैं 5 मार्क ईच। तो गाइस उसमें सारे क्वेश्चंस 5 5 मार्क्स के होते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर 80 to 120 वर्ड होने चाहिए। मीन्स मिनिमम आपको 80 वर्ड और मैक्सिमम 120 वर्ड में लिखना है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। अलग से आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। वेयर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। तो भाई कहने का मतलब कि जो बायोलॉजी में आप जो डायग्राम्स बनाएंगे वो आप क्लियरली बनाएं, नीट और क्लीन बनाएं। ये थी इसकी बात। देखिए अब ये सब इसके क्वेश्चंस हैं। तो गाइज इन सबको आप आराम से देखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस किसी दिन और करेंगे। ये क्विक अपडेट थी इसीलिए आपको शॉर्ट में वीडियोस मिल गई हैं। और गाइज जब मैं आपको बताता हूँ कि आप और सब्जेक्ट के कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अभी अभी हमने साइंस का डाउनलोड किया, तो यहाँ पर हिंदी, हिंदी बी, होम साइंस, कंप्यूटर, हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारे पास मैथ्स आ जाएगा बेसिक और स्टैंडर्ड, फिर सोशल साइंस, NCC। तो कहने का मतलब क्लास 10th का जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने संस्कृत लिया है तो उसका भी नीचे है। आपको जिसका भी चाहिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिए, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आता है मार्किंग स्कीम। गाइस जब हम देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या है,
मार्किंग स्कीम के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास ये वाला पेज डाउनलोड होके ओपन हो गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मार्किंग स्कीम सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21। तो गाइस ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम 2020-21 के लिए। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि मार्किंग स्कीम इसमें क्या क्या दी गई है। तो गाइस ये तो बात थी हमारी क्लास 10th के लिए। अब हम देखते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में भी हमारा सेम प्रोसीजर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक करना है, आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेंसी। तो गाइज हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंटेंसी का। जो बायो के हैं सब बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और यहाँ से आप मार्किंग स्कीम। अगर हमने सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब कि हम बोर्ड के लिए कुछ प्रिपेयर हो गए हैं। हमें बोर्ड के लिए कुछ आइडिया मिल जाता है कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसके साथ ही साथ उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, उसमें कितने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो गाइज इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। बाकी चैप्टर के वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं।